करवा चौथ के व्रत में छलनी का बेहद महत्व है। इस दिन पूजा की थाली में महिलाएं सभी सामानों के साथ छलनी भी रखती हैं। करवा चौथ की रात महिलाएं अपना व्रत पति को इसी छलनी में देखकर पूरा करती हैं। शादीशुदा महिलाएं इस छलनी से पहले दिया रखकर चांद को देखती हैं और फिर अपने पति को निहारती हैं। इसके बाद पति उन्हें पानी पिलाकर व्रत पूरा करवाते हैं। लेकिन कभी सोचा है पति और चांद दोनों को छलनी से क्यों देखा जाता है? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। करवा चौथ की पूजा की बात हो तो सबसे पहले छवि बनती है छलनी से चांद को देखती सजी धजी सुहागिन की। ये एक ऐसा दृश्य है जो करवा चौथ की पूजा को विशिष्ट और सबसे अलग बनाता है। शायद ही कोई और पूजा होगी जिसका प्रतीक इतना जीवंत, इतना अनूठा हो। इस दृश्य को देखते ही हर कोई समझ जाता है कि करवा चौथ की पूजा हो रही है। कहा जा सकता है कि छलनी से चंद्र दर्शन करना चौथ की पूजा की पहचान बन गया है। वास्तव में सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम से जुड़ी हर कथा का आधार है शिव पार्वती। सृष्टि का आरंभ ही शिव पार्वती के प्रेम और विवाह के साथ हुआ है और आज भी इनका प्रेम दाम्पत्य का आधार बना हुआ है। ऐसे में सौभाग्य पर्व करवा चौथ में उनके नाम के बिना कहानी कैसे आगे बढ़ सकती है? करवा चौथ की कथा भी भगवान शिव से परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्वतराज दक्ष की 27 कन्याएं थी। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। इन सभी पत्नियों में से रोहिणी चंद्रमा को विशेष प्रिय थी, इससे बाकी पत्नियां आहत होती थीं। सभी कन्याओं ने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया पर वे ना माने और रोहिणी को विशेष महत्व देते रहे। तब दक्ष ने चंद्रमा को जर्जर और कांतिहीन होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा की ये दशा देखकर नारद जी ने उन्हें शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। शिव जी ने चंद्रमा के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इसी के बाद सुहागिनों ने करवा चौथ की पूजा आरंभ कर दी। करवा चौथ की रात सुहागिनें पूजा करने के बाद छलनी से चांद को देखती हैं और इसके बाद पति के दर्शन भी उसी छलनी से करती हैं। इसके पीछे भावना ये रहती है कि जिस तरह चंद्रमा को दीर्घायु और कांतिमान होने का वर मिला, उसी तरह उनका पति भी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्राप्त करे। एक चांद देखने के बजाय छलनी से हजारों छिद्रों में से कई चांद देखकर उतनी ही लंबी आयु पति को प्राप्त हो, इसी की कामना से इस त्योहार में छलनी से चंद्र दर्शन किया जाता है।